त के महापर्व में कौन बनेगा पार्षद नगर पालिका में पंद्रह वार्डों से किस वार्ड से कौन प्रत्याशी नगर पालिका की कुर्सी पर बैठेगा इस समय पर मैं हनुमान वार्ड प्रत्याशी हेमंत मेहरा के पास मौजूद हूं। आज उनसे हम बात करते हैं चर्चा करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है एक युवा हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव में वो मतदाताओं से क्या एजेंडा और क्या आधार लेकर आए हैं हेमंत जी आप चुनाव जी, लड़ रहे हैं जी और जी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी जी है। जी तो आपका मतदाताओं के लिए क्या एजेंडा है और क्या आधार पर आप मतदाताओं से मत मांगेंगे ऐसा है एजेंडा तो ऐसा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बिस्कुट सबसे बड़ी पार्टी हमारी भाजपा पार्टी कि मैं उस लायक हूँ मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कभी हनुमान वार्ड से वार्ड नंबर चार से कभी टिकट मिलेगी लेकिन भाजपा ने मुझे उस लायक समझा और मुझे वो दायित्व दिया मुझे हनुमान वार्ड हनुमान वार्ड वासियों ने और जो भी मेरे अपने नगर से हैं भाजपा से उनने सब सोच समझ के मुझे टिकट दी और मैं यही सोच के चुनाव लड़ रहा हूँ कि मुझे बाढ़ में बहुत सी ऐसी समस्या मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि मुझे समस्या का निवारण करना है तो मैंने उसी समस्याओं को देख के मैंने भाजपा पार्टी की टिकट ली और मैं अब आगे वही दायित्व करूँगा कि मुझे क्या क्या काम करना है क्या करवाना है मैंने बहुत से काम हैं जो भी बाढ़ में हैं और आने वाले समय में मैं करूंगा अगर भाजपा ने पार्टी ने मुझे टिकट दी है और मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी हनुमान वार्ड की जनता भी मुझे चुनेगी और वार्ड पार्षद स्वीकार करेगी हनुमान वार्ड का यह मैं आपको बताता हूं और पूरी जनता से भी मुझे पूरा विश्वास है पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुझे अवश्य सुनेंगे वो हनुमान वार्ड के युवाओं से क्या कहना है क्योंकि आप ये युवा वर्ग से हैं और यहाँ के मतदाताओं से क्या आपकी अपील है हनुमान बाट के युवाओं से यही कहना है कि जिस तरह युवा को मुझे आज मौका मिला है आगे भी युवा को मौका मिलेगा और युवा पीढ़ी एक ऐसी युवा पीढ़ी है जो आगे बाढ़ वासियों में उत्साह देगी और आगे के जो कार्य हैं वो युवा पीढ़ी ही करेगी युवा पीढ़ी में एक, एक सोच नहीं है युवा पीढ़ी सोचती कि आज कुछ भी है जैसे समस्या है बाढ़ में वो देखती कि युवा पीढ़ी घूमती रहती कि भाई आज ये समस्या यहाँ है तो उसके दिल में लगता है कि आज ये समस्या इसको निवारण हो सिर्फ ये चीज़ युवा पीढ़ी सोचती है और युवा पीढ़ी में उत्साही भी बहुत है आज मेरे साथ सब मेरे बाढ़ के युवा जुड़े हैं और सब लगे हैं मेरे साथ पूरा उत्साह के साथ मेरा प्रचार करा रहे हैं वो और उनको भी ये बिल्कुल पढ़ा है कि मैं युवा आज युवा को टिकट मिली है भाजपा से तो युवा हमारा हनुमान बाढ़ में पार्षद बन के बैठे हमारी समस्याओं का निवारण हो बाट की समस्याओं का निवारण हो लोगों को जो दिक्कत परेशानी है उन चीज़ों से युवा एक सभी परेशानियों को दूर करे ऐसा मैं युवा से कहूँगा और मैं बता दूँ कि युवा ही एक ऐसा युवा है हमारे देश में जो आगे और ले जाएगा युवा को मौका मिला है मैं बहुत है हमारी पार्टी को धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि पार्टी ने आज मुझे लेकर उनने मुझे चुना है आगे और भी युवाओं को चुनेगी पार्टी ऐसा मैं आपसे बताऊंगा देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है जी और आपके प्रतिद्वंदी में कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो अनुभवी भी हैं जी जी और पहले भी इस बात से रह चुके हैं जी तो जीते हैं जी उनके सामने आप चुनाव चुनम हैं आपका पहला अनुभव है जी आप, तो आपकी बात सही है कि अनुभव ही है मैं भी ये चीज़ कहूँगा कि अनुभव ही वो और बहुत पहले से राजनीति में हैं वो मैं अभी राजनीति में नया नया आया हूँ तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ा कठिन है लेकिन परिश्रम और मेहनत ये चीज़ रंग लाती है मैं उसी उसी राय में चला हूँ अपनी मेहनत कर रहा हूँ और बाड़वासी भी चाहते हैं कि एक युवा है युवा आए और बाड़वासी भी मुझे यहाँ पार्षद के रूप में चुनेंगे मेरा कर्तव्य मेरी मेहनत है और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो इच्छाएँ हैं मैं अभी से नहीं मुझे ये कभी नहीं पता था कि मुझे कभी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगी और कभी मैंने चुनाव के बारे में सोचा था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा मेरे शुरू से बहुत सी समस्याओं को लेके मेरी इच्छाएँ थी जैसे हमारे वार्ड में नालियाँ हो गई क्षतिग्रस्त डली हैं आवारा पशुओं का देख लूँ यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं उनको लेके मेरी शुरू से काफ़ी इच्छाएँ रही हैं कि मैं इन समस्याओं को निवारण करूँ लेकिन उन समस्याओं को लेके मैं थोड़ा सा पीछे रहता था क्योंकि मैं उस पद में नहीं था आज मैं जब उस पद में आऊँगा जनता मुझे चुनेगी तो मैं सब समस्याओं को निवारण करूँगा बहुत सी हमारे वार्ड में क्षतिग्रस्त नालियाँ हैं देखता हूँ यहाँ से भर जाती हैं तो वो पानी दूसरी तरफ भी बहने लगता है बहुत सी समस्याएँ रोड को ले कर कहीं जगह की रोड टूटी है कोई चैम्बर टूटा है तो ये सब मुझे मेरी इच्छाएँ ये मैं बहुत सालों से मैं सोचता हूँ कि ये कार्य हो और मैं अवश्य ये सब कार्य कराऊँगा मैं जैसे नाली को ले पशुओं को ले और जो हमारी रोड क्षतिग्रस्त है उनको ले जैसे हमारे यहाँ जो कोई कुछ भी है गंदगी वगैरह फैली रहती है तो कुछ नहीं देखते नगर पालिका भी अभी क्या है कांग्रेस की नगर पालिका थी हमारे यहाँ तो हनुमान वार्ड का उतना कार्य नहीं होता था तो इन सब समस्याओं का मैं निवारण करूँगा अधिकांश देखा गया है कि जो भी पार्षद चुने जाते हैं वो पाँच साल पहली बार वोट मांगते हैं पाँच साल के लिए गुमनाम हो जाते हैं ऐसी जनता कह रही है आपका क्या कहना है जनता का कहना बिल्कुल सही है लेकिन ऐसा नहीं है बहुत जो एक व्यक्तिगत चुनाव होता है पार्षद चुनाव तो मैं आपको बता दूं और व्यक्तिगत चुनाव वो रहता है जो व्यक्तिगत चुना जाता है तो वो हमेशा पाँच साल लोगों के काम आता है लोगों का काम कराता है और लोगों की समस्याएं सुनता है ऐसा नहीं है अगर वो पार्टी को देख के अगर चुनाव बाढ़ पार्षदी रहता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है लेकिन बाढ़ पार्षदी चुनाव कोई पार्टी को देख कर नहीं रहता मतदाताओं से क्या अपील मतदाताओं से मेरी सिर्फ यही अपील है कि जैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को चुना है वैसी जनता मुझे चुने और जो भी जनता की परेशानियाँ हैं मैं उन परेशानियों का निवारण करूँगा आधी रात में तत्पर रहूँगा पाँच साल जैसे आपने बताया कि पाँच साल पार्षद में पाँच साल चुनाव के बाद देखते नहीं हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैं पूरे पाँच साल क्या हमेशा मेहनत करूंगा पूरे वार्ड में स्वच्छ बनाऊंगा एक हमारा एक ऐसा वार्ड होगा कि भाई लोग बोलेंगे कि हाँ वार्ड पार्षद ऐसा ही होना चाहिए मतदाताओं से क्या कहना है मतदाताओं से मेरा यही कहना है कि जैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुना है वो भी मुझे चुनें एक नंबर की बटन दबाकर कमल फूल को और मुझे प्रचंड मतों से विजय बनाए अभी अभी हमने हनुमान बाट से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमंत मेहरा जी से चर्चा की उन्होंने अपने विचार मतदाताओं के बीच रखे क्या हनुमान बाट से नगर पालिका तक कमल फूल खिल पाएगा ये हम छः तारीख को मतदाता के मत के बाद तस्वीर को देखेंगे